माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध कर रहा हूं कि वे माननीय मंत्री प्राविधिक शिक्षा श्रीमती कमल रानी जी को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करें। श्री कुलपति महोदय, माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी का धन्यवाद। इंडिजिनस सिस्टम पे 200 बोर्ड्स इस विश्वविद्यालय में लगे हैं, जो संस्कृत के श्लोक और भारतीय मनीषा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी अद्भुत थी उसका विवरण है। आप सब लोग आए हैं, इसको जरूर देखिएगा। और ह्यूमन वैल्यूज के कोर्स में हम लोगों ने जल संरक्षण और मानव चेतना के बारे में बहुत सारा कोर्स चालू किया है। अब मैं अपनी प्रिय और मार्गदर्शक माननीय मंत्री प्राविधिक शिक्षा, जिनके हाथ में प्राविधिक शिक्षा का बागडोर है, श्रीमती कमल रानी जी को उद्बोधन देने हेतु आमंत्रित करता हूँ। श्रीमती कमल रानी, प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रावधीप विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के 17वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही माननीय राज्यपाल, हम सब लोगों का गौरव और खास तौर से हम महिलाओं का गौरव हमारी ऐसी राज्यपाल जी उत्तर प्रदेश के कुलपति श्रीमती आनंदी पटेल जी, समारोह के मुख्य अतिथि जय पुरुष श्री राजेंद्र जी, जिनका हम सब लोगों ने अभी बहुत अच्छे से मन से उनके भाषण को सुना। उसके भाषण को केवल हम सुन के न जाएं, अपने जीवन में अपने साथ सार्थक करने के लिए उसको साथ लेकर जाएं और एक संकल्प लेकर जाएं कि जल जितना ही बचा सकें वही हमारा आगे भविष्य के लिए, हमें हमारे बच्चों के लिए कुछ होगा। कुलपति श्री विनय पाठक जी, कुलपति श्री विनय बंसल जी, कुल सचिव श्री नंदलाल जी एवं अन्य कॉलेजों के आए हुए डायरेक्टर एवं डीन तथा सम्मानित अतिथियों, उपस्थित छात्र छात्राओं को मैं अभिनंदन और बहुत ज्यादा स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बड़े हर्ष का विषय है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय अपना 17वां दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है। दीक्षांत समारोह किसी भी विश्वविद्यालय के लिए और उससे भी अधिक उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के जीवन का एक विशिष्ट अवसर होता है। पूरी मेहनत करने के बाद एक जो सफलता उनके हाथ में आती है उससे अधिक हर्ष और हो भी क्या सकता है। तो आज इन बच्चों का एक विशिष्ट अवसर है, इसके साथ ही ये अपनी उपलब्धियों को मूल्यांकित करते हुए करने का एक गौरवशाली दिन होता है। विश्वविद्यालय इस कामना के साथ उपाधि प्रदान करता है कि उसके द्वारा तैयार किया गया मानव संसाधन राज्य की प्रगति में सकारात्मक योगदान प्रदान करेगा। प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। तकनीकी उच्च शिक्षा वह उपकरण है जो व्यक्ति के संस्कारित आचरण का विकास कर उसे स्वावलंबी बनाती है। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में समस्त राजकीय संस्थानों शिक्षकों की कमी पूर्ण करने का कार्य किया है और कार्य जारी भी है। अभी प्रदेश के समस्त राजकीय तकनीकी संस्थानों की प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। पाठक जी ने बहुत विस्तार से इस विषय में आपको बताया है कि उन्होंने कैसे क्या क्या किया है, मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो प्रयोगशाला है उनको आधुनिकीकरण किया जा रहा है और बहुत किया भी गया है। साथ ही साथ जो राजकीय संस्थान भवन के अभाव में दूसरे परिसरों में संचालित हो रहे थे, ऐसे संस्थानों के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराकर उन संस्थानों को स्वयं का भवन से संचालन सुनिश्चित किया गया। पहले ही दिक्कतें थी हम लोगों के सामने, यहाँ पर भवन नहीं थे, बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन अब कोई स्थिति नहीं रह गई है। ज्यादातर जो जिनके पास भवन नहीं थे उनको सबको भवन सुनिश्चित किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मिशन स्मार्ट सिटी के बल को प्रदान करने के लिए AKTU के सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज में स्मार्ट सिटी सिमुलेटर जैसे आधुनिक अत्याधुनिक लैब को स्थापना भी की गई है। वर्तमान युग स्किल का युग है, तो माना जाता है कि ये स्कूल स्किल का युग है। जिसके पास कौशल है वह स्वयं को स्वयं रोजगार परक बना सकता है। प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्र छात्राओं के कौशल के विकास के लिए तकनीकी संस्थानों के इंक्यूबेशन में
अपने सेंटर्स की स्थापना के लिए सफल प्रयास कर रही है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है कि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं मार्च विषय जैसे प्रोजेक्ट्स में सहभागिता प्रदान कर रहे हैं। कोलेबरेटिव लर्निंग आज की जरूरत बनती जा रही है। उक्त है तो विश्वविद्यालय विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय एवं औद्योगिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य कर रहा है। ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्तमान की जरूरत बन गई है, सभी लोग उसी लाइन में है। जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय के लखनऊ एवं नोएडा परिसर में MOOC स्टूडियो का भी स्थापना की गई है। वर्तमान में इस स्टूडियो के माध्यम से ऑडियो विजुअल व्याख्यान तैयार किए जा रहे हैं। आज प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जनोपयोगी सुलभ तकनीकी के विकास की आवश्यकता है। जल संरक्षण, जीरो बजट फार्मिंग, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय के प्रत्येक सफल संस्थान के द्वारा कम से कम एक गांव को देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय ने पहल की है कि परिसर को क्लीन और ग्रीन बनाया जाए। इसके लिए वन टाइम यूजेबल प्लास्टिक के प्रयोग कर परिसर को निषेध कर दिया गया है। प्रावधिक शिक्षा से जुड़े छात्र छात्राओं को स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जोड़ने के लिए जोनल और स्टेट लेवल स्पोर्ट्स फर्स्ट के पिछले 3 वर्षों में सफल संचालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की दूरदर्शिता का यह परिणाम परिवार है कि विश्वविद्यालय के घटक संस्थान IET में इनडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रगति पर है। प्रदेश की तकनीकी उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए छात्र छात्राओं के मूल्यपरक शिक्षा भी अनिवार्य रूप से प्रदान की जा रही है। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा वैल्यू एजुकेशन के कोर्स को क्रेडिट कोर्स के रूप में भी लागू किया गया है। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक और एवं उनकी टीम उनके द्वारा किए जा रहे सकारात्मक विकास के कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत सी उनको बधाई देती हूँ। और एक बात और कहना चाहती हूँ अपने राज्यपाल महोदया से, वो भी शिक्षा के ही क्षेत्र में है लेकिन उनकी शिक्षा थोड़ी उच्च थी, उच्च शिक्षा में था। उनका काम पूरा शिक्षा का ही क्षेत्र पर उन्होंने शुरुआत से काम किया। माननीय राज्यपाल महोदया, मैंने भी शुरुआत के दौरों में कुछ ऐसा ही काम किया था जिसको मैं शिक्षा के साथ जोड़ रही हूँ। मैंने उस शिक्षा क्षेत्र में किया जहाँ की बस्ती में माँ बाप काम करने चले जाते थे और बच्चे गलत रास्ते में निकलने की तैयारी करते थे। उस समय उनको कुछ देखने और समझने वाला नहीं था। मैंने उन बस्तियों में जाकर उनको नीम के या पेड़ के नीचे बैठकर खटिया में अपने बैठकर उन बच्चों को बुला बुला कर मैंने पढ़ाने का काम किया था। और उनको जो हमने पढ़ाया और पढ़कर थोड़ा जब उनकी अच्छा लगने लगा कि हाँ पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है तो वो जाकर स्कूलों में भी भर्ती होने लगे। आज मुझे बहुत हर्ष के साथ कहना पड़ता है उससे बहुत सारे वो सर्विस में जाने लगे हैं और बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आज वो अगर हमने न समझाया होता उनके बीच में न बैठे होते। मैंने सालों साल यही काम किया था। यही नहीं, घर जब जगह नहीं मिलती थी तो मैं उन औरतों को उन लड़कियों को भी ले आती थी जिनके घर में पढ़ने के पैसे भी नहीं होते थे, जगह नहीं होती थी। मैंने सिलाई की मशीनें खरीद कर उन लोगों के लिए मैंने अपने ही घरों के एक आध कमरा निकाल कर उसमें बिठा कर मैंने उनसे कहा था कि उपले पाथना इतनी अच्छा नहीं है, झाड़ू लगाना इतना अच्छा नहीं है, अगर तुम शिक्षा में थोड़ा सा पढ़ाई करोगी और थोड़ा ये पढ़ाई को सिलाई सीख लोगी तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और आज आपको बताते हैं उसमें से बहुत सी टीचर्स लड़कियाँ जो हैं टीचर्स हो गई, खुद ही सिलाई सीखती थी और अब वो सिखा रही हैं। तो इस तरह से शिक्षा का क्षेत्र कोई भी हो वो बहुत ही अच्छा होता है और उपकारी होता है। आज हमारे तमाम बच्चे यहाँ इंजीनियर होकर निकले हैं और निश्चित ही वो बहुत अच्छे जॉब में जाएंगे, कोई विदेश जाएगा कहीं भी जाएगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। लेकिन उनसे मैं एक निवेदन करती हूँ, निवेदन प्रार्थना करती हूँ, यहाँ मुझे प्रार्थना शब्द मैं यूज कर रही हूँ कि वो आगे पढ़ते तो जाएं लेकिन अपने अगल बगल भी देखते जाएं कि कोई गरीब छूट तो नहीं रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हम साथ लेके खड़े करके उसको दिशा देने का काम करें। आज यही बात मैं उनसे कहकर जा रही हूँ। वैसे तो ये सबके लिए बात लागू हो रहा है। जब मैंने शुरुआत की थी तो यहीं से मैंने शुरुआत की थी, आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। अगर तुम कुछ करके जाओगे, किसी के लिए कुछ दे कर जाओगे तो भगवान तुम्हें बहुत कुछ देगा। और हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। और साथ में एक बार फिर राजपाल महोदय को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल
का समय अपना निकाल के लाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उनको।